अच्छी तरफ समझते हैं हम, तीसरा सीक्रेट क्या है? सफलता। तो सफलता कितने लोगों को सफलता चाहिए, हाथ ऊपर करें, कितने लोगों को सफलता चाहिए? वेरी गुड, सबको चाहिए, सब चाहिए, सब चाहिए। तो अभी लोगों को पूछता हूँ मैं, सफलता की डेफिनेशन क्या है, क्या है व्याख्या सफलता की? सफलता की व्याख्या, चलो मैं आपको ये व्याख्या के लिए आसान करता हूँ। सफलता की व्याख्या मैंने किया है, लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य को प्राप्त करना। क्या है? अपने गोल सिंपल। को अचीव करना। यस, लक्ष्य या गोल को अचीव करना, पहले डिसाइड तो करना पड़ेगा ना, ये मेरा लक्ष्य जी है सर, और ये लक्ष्य को प्राप्त करना। जैसे मेरा लक्ष्य है तीन यस सामने या प्रेजेंटेशन आपके सामने रखना, तीन तीन सॉरी 3 घंटा प्रेजेंटेशन सामने रखना, 3 घंटा कंप्लीट हुआ, लक्ष्य निर्धारित किया है, पूरा हो गया, तो मेरा सफलता हो गया। तो चलो चलते हैं, आप तो हाथ ऊपर किया था सबने, तो मेरा सवाल है आपको, लक्ष्य क्या है या कितने लोगों के पास लक्ष्य है? अगर है तो बताइए, अभी क्या लक्ष्य है आपके पास, जी लक्ष्य क्या सर, मेरे है पास लक्ष्य। आप बताइए, क्या लक्ष्य है बताइए। जी सर, मेरे को जो है गांव में जाना है, और गांव में जाकर एक मतलब बहुत ऐसे वर्ग है जो मतलब पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर है, तो मैं वहां अपना कोचिंग वगैरह चालू करने वाला हूँ, और उनको जो है फ्री में कोचिंग वगैरह चालू करके पढ़ाऊंगा, उनको जो है आगे लेके जाना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सोच है। चलो तो देखो क्या होता है, बहुत अच्छा जवाब दिया है, हम इसको समझते हैं लक्ष्य को और ज्यादा, थोड़ा सा गहराई में चले जाते हैं, आपका जवाब सही था। देखो कुछ समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्ट है और फिनिश है ना, पता है ये स्टार्ट है और फिनिश है। चलो मैं आपको अभी सवाल पूछता हूँ, एक 100 मीटर का रेस है, 100 मीटर का रेस में चलो हम लोग, विनोद जी है, नटपत जी है, तो हम लोग इसमें भाग लेंगे, तो 100 मीटर की रेस में हम आ जाएंगे ना, ले लेंगे ना भाग, जो ले जी लेंगे सब सर, लोग लेंगे। लेकिन अभी मैं दूसरा चित्र देखता दिखाता हूँ आपको, और इसमें मैं भाग लेने के लिए बोलता हूँ आपको, तो इसमें कितने लोग आएंगे बताइए? इसमें क्या है, इसमें एंड नहीं है, इसमें क्या नहीं है, एंड नहीं है। हाँ ये एंड वाला दूसरा चित्र आ गया, यस मैं दूसरा चित्र देखता हूँ, इसमें एंड नहीं है, 100 मीटर का रेस, 100 मीटर की सीमा है, वो सीमा नहीं है उसमें। ओके तो इसमें कितने लोग भाग लेंगे बताइए, ये वाला दूसरा चित्र आ गया। ओके यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एंड रखा नहीं है, स्टार्ट है बट एंड नहीं है, तो इस रेस में कौन भाग लेगा बताइए? चलो मैं 1 लाख प्राइज देता हूं और एंड नहीं है, तो क्या आप लोग इसमें सम्मिलित होंगे? नो सर, चलो मैं और थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मैं आपको इसको 10 लाख से 1 करोड़ तक लेके जाता हूँ, 1 करोड़ है इसमें और आपको स्टार्ट है लेकिन एंड नहीं पता, तो इसमें आप नो सम्मिलित सर, होंगे क्या? नो सर, नो सर, नो नो सर, सर। क्योंकि क्यों नहीं होंगे? सर गोल ही इसमें डिफेंड नहीं है, बोलिए, डिसाइड पता ही नहीं नहीं है कहां तक कहाँ तक जाना। पहुंचना है। हाँ तो रिसर्च ये कहता है दोस्तों, 90% लोगों के पास लक्ष्य नहीं होता, अगर लक्ष्य है तो भी एग्जैक्ट लक्ष्य नहीं होता, मेजरेबल नहीं होता, अचीवेबल लक्ष्य नहीं होता। तो आपने हाथ ऊपर किया था, अच्छी बात है, लक्ष्य है, तो देखिए किस तरह का लक्ष्य है आपके पास। तो और एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, अभी ये देखिए ये स्क्रीन आपके सामने आ रहा है, ये देखो ये गोल पोस्ट है, इधर वाले वीडियो, इधर वाले उधर गोल करेंगे और उधर वाले इधर गोल करेंगे, फुटबॉल वाले, एक गोल पोस्ट हटा दिया तो क्या होगा, कहाँ गोल करेंगे? तो गोल का इंपॉर्टेंस है ना, समझ में आ रहा जी है? सर, अगर गोल नहीं है जी तो सर, खेल नहीं पाएंगे। पर लाइफ में क्या होता है, देखो लाइफ में हमारा यही गोल होता है, मैक्सिमम लोगों का यही होता है, गाड़ी बंगला, इससे ज्यादा लोग हम गोल समझ ही नहीं पाते कि गोल और भी कुछ होता है। मैंने जैसे विनोद जी को पूछा और किसी लोगों को पूछूंगा तो बोलेंगे इतना ही बोलेंगे, मतलब गाड़ी बंगला है, बिजनेस है, पैसा है, शादी है, बस इसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाता है, इसके आगे भी गोल होता है। हमें लाइफ में, आपके लाइफ के 6 लेवल पे गोल होने चाहिए, तब आपका गोल सफल है, आप हम सफल इंसान बोल सकेंगे। अगर 1 लेवल पे भी आपका गोल नहीं है तो आप सफल इंसान नहीं है। क्यों? जो मैं ये वाक्य बोल रहा हूँ इसका आपको समझ में आएगा, जो नेक्स्ट लेवल में दिया है, 6 लेवल पे गोल है तो एक परिपूर्ण इंसान हो, आपको शारीरिक लेवल पे गोल होना चाहिए, आपको मानसिक लेवल पे गोल होना चाहिए, थर्ड है आपके आर्थिक लेवल पे गोल होना चाहिए, चौथा है आपका सामाजिक लेवल पे गोल होना चाहिए, पांचवा है आपके कौटुंबिक लेवल पे गोल होना चाहिए, और छठवा है आपके आध्यात्मिक लेवल पे भी गोल होना। चाहिए। जी क्या आपने सुना था, क्या आपको ये पता था? अगर नहीं सर, सुना था पता था तो क्या आपने ये 6 लेवल पे गोल डिसाइड किया था? नहीं किया था। तो अभी मैं आपको मौका दे रहा हूं, आपने 2 एग्जाम्पल देखा है, 100 मीटर की रेस में अब तो आने वाले हैं, पर जिसपे पता ही नहीं है कि वो लाख मिले, 10 लाख मिले, 1 करोड़ मिले, कहां तक जाना पता ही नहीं है,
तो आपको सिर्फ पैसा कमाना है नौकरी से, ये काफी नहीं है। आप पैसा तो कमा लोगे, प्रमोशन भी पा लोगे, इंटरव्यू भी पा लोगे, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जनरल मैनेजर बन गया और डायबिटीज बीपी आ गया। चाहिए क्या आपको? तो नो आपको सर, हेल्थ के लिए भी अभी से कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। हेल्थ के लिए मुझे व्यायाम करना है, योग करना है, जिम करना है, जो भी आपके लिए। मानसिक तो जनरल मैनेजर तो बन गया बट टेंशन में हमेशा है, तो मानसिक के लिए भी आपको कुछ गोल बनाना है और समाज के लिए भी कुछ योगदान देने के लिए बनाना है। बहुत उधर मैं देना चाहता हूँ, लेकिन क्या देना चाहता हूँ? आपके पास पैसा भी आ गया लेकिन आपके फैमिली आपके साथ नहीं है, तो चलेगा क्या आपके पास? नहीं चलेगा। और स्पिरिचुअल भी प्रगति होनी चाहिए, इसलिए आपको मैं स्क्रीन पे अभी आपको ये मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ जिसको आपको करना है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप ये करने वाले हैं। तो देखो चारों पे आपको क्या ना मार्क्स लिखना है, स्क्रीन दिख रहा है आपको? तो जी सर, आपको इस पे मार्क्स देने हैं। क्या मार्क्स देने हैं? शारीरिक पे आपको दिख रहा है ये? शारीरिक पे मेरे यस पॉइंट्स, सर, मेरा स्कोर 2 पॉइंट ऊपर लेके जाने के लिए पहला लिखिए पॉइंट्स। मतलब शरीर में आप कितना मार्क्स देते हो? जैसे 10 है मैक्सिमम है, 10 यानी बहुत, आपका शरीर बहुत तगड़ा है। मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा। 10 या 5 या 4 या 3 या 2, जैसे अगर मैं बोलूंगा 10 है तो मैक्सिमम है। जैसे शरीर में देखेंगे, जैसे मेरा आज शरीर का मार्क्स मैं खुद दूंगा तो मेरा आज 6 है, मेरे को कुछ चल रहा है, मेरा साइटिक का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, मेरा 95% कवर हो गया है, 5% कवर होना बाकी है, तो मेरा मैं दूंगा 6 मार्क्स। एक साल पहले मेरा 10 में से 9 था, ठीक है, तो आज मेरा 6 है शरीर में। आप पहले मार्क्स दो फिर मैं क्या करना है बताऊंगा। तो मानसिक पे जैसे आज मेरा मानसिक का 9 में से 10 में से 9 है, क्योंकि मैं ये सब करता हूँ तो मेरा माइंड बहुत स्ट्रांग है। आपका मानसिक लेवल पे, इमोशनल लेवल पे क्या है आपको मार्क्स देने हैं? बॉस आपको कुछ बोलता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, आप जूनियर के साथ झगड़ा होता है तो बुरा लगता है, घर वालों के साथ तो आप मार्क्स देंगे कम या ज्यादा? 0 यानी बहुत कम, 10 यानी बहुत ज्यादा, 5 यानी मीडियम। फिर कौटुंबिक, फैमिली के साथ आपका कितना मार्क्स है, खुद मार्क्स दो। फिर फाइनेंस में आपका जो भी मार्क्स है, क्योंकि 6 लेवल पे चाहिए, जो हम इसको बोलते हैं कंप्लीट लाइफ असेसमेंट, सिंपल लाइफ असेसमेंट, आपका पूरा लाइफ इस पे दिख रहा है। क्योंकि सिर्फ पैसा 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 भी भागते हैं, और पैसा तो कमा लिया, भाई शरीर दबा दिया, पैसा कमा लिया बट फैमिली वाले छूट गए, ये नहीं चाहिए। हम पैसा भी कमाएंगे बट साथ में ये 6 चीजों के साथ कंप्लीट सेटिस्फेक्शन के साथ वर्क लाइफ बैलेंस करेंगे। फिर आर्थिक में कितना कम है वो लिखिए, फिर समाज को कुछ हम योगदान दे पाते हैं कि हर एक को देना लगता है तो कितना दे पाते हैं, और आध्यात्मिक में क्या है? आध्यात्मिक यानी सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, खुद को जानना। तो आप मार्क्स दीजिए फिर क्या करना है मैं बताता हूँ। तो आपके लिए सिर्फ 2 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ, मार्क्स दीजिए फिर क्या करना है देखते हैं। जो भी है कंफर्ट रूप लिखिए, जैसे मैंने बता दिया, शारीरिक में मेरा 6 है, मानसिक में मेरा 9 है, कौटुंबिक मेरा 9 है, आर्थिक में मेरा 8-9 के आसपास है, सामाजिक में मेरा 9 है, आध्यात्मिक मेरा 9 है, मतलब सब जगह मेरा स्ट्रांग। पर जब मैं जॉब में था तो ये मेरा कम ज्यादा था, तो मैंने आपको सिखा के मैंने खुद ठीक किया है। तो आप लिखिए फिर मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो 1 मिनट का समय है, लिख लीजिए, तो तब तक मैं जरा गर्म पानी पी लेता हूँ। 1 मिनट का समय, फटाफट लिखिए। आपके मैंने पेन लाने को बोला था तो पेन और पेपर पे लिखिए 6 चीजें, जी और अपना, और ये मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए है, आपका लाइफ असेसमेंट है, ये तीसरा सीक्रेट है। क्योंकि लाइफ में हमें 6 लेवल पे सक्सेस है तो ही हमें संतुष्टि मिलती है, अगर एक भी लेवल पे हमारा नहीं है तो छूट जाता है बाद में। अरे यार तब मुझे किसी ने बताया होता तो मैंने किया होता, मुझे कोई बोलने वाला था नहीं, लेकिन आपको बोलने को तो किरण पाटिल मिला है, लाइफ कोच, बिजनेस कोच, जो आपको बता रहा है 6 लेवल पे आप सफल सफल हो तो ही आप सफल हो। अगर तो 6 में से कोई एक भी छूट गया, बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है पर उनके फैमिली उनके साथ में नहीं है, सफलता बहुत है बड़े एंजॉय किसके साथ करेंगे, पैसा तो बहुत है पर शरीर डायबिटीज बीपी कैंसर से मर रहा है, क्या काम का उस पैसा? तो आज आपको पता चला है, आप लिखिए फिर मैं क्या कर रहा है बताता हूँ। लास्ट 1 मिनट, 2 मिनट दिया था तो 1 मिनट खत्म हो गया, 1 मिनट लिए। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। लास्ट 30 सेकंड, आपका मार्क ईमानदारी से दे दीजिए, आपके लिए है, आपके लाइफ पे चेंज करने के लिए।
लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड। यस, लास्ट 5 सेकंड। इसका स्क्रीनशॉट लेके भी ले सकते हैं आप। चलो, इसने लिखा कौन बताना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा? यस, पता ही है आपका ही है, क्या करना है इसका उपाय भी मैं बताने वाला हूँ, तो शेयर कीजिए कोई भी। चलो बोलिए विनोद जी, बोलिए। हाँ सर, मार्क बताओ क्या अपना। हाँ, शारीरिक में कितना है आपका मार्क्स? शारीरिक में मेरा 7 मार्क्स है, वेरी गुड। मानसिक में? मानसिक में 6 है, वेरी गुड। कौटुंबिक? पारिवारिक में 8 है, आर्थिक बढ़िया, में 5 है, वेरी गुड। अच्छा, सामाजिक में 6 है, वेरी गुड। आध्यात्मिक में? आध्यात्मिक में 7 है। बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा आपने शेयर किया सबके सामने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू गणेश। अभी करना थैंक क्या यू। है? अभी करना ये है कि जैसे अभी 2023 चल रहा है, अगले 1 साल से 3 साल में मुझे मिनिमम 2 पॉइंट आगे लेके जाना है। जैसे 5 था उसको 7 लेके जाना है, 6 था उसको 8 लेके जाना है, और 7 के लेके 9 लेके जाना है। उसके लिए क्या करने वाले हो, एक्शन प्लान नेक्स्ट कॉलम में लिखिए। समझा मैंने क्या बोला? जैसे जी शारीरिक में सर, मान ले आपने शायद 7 बताया था, 7 या 8 बताया था, तो 8 से 9 या 10 लेके जाने के लिए क्या करने वाला हूँ मैं, क्या एक्शन करने वाला हूँ लिखिए, और लिखोगे तो कल आप करोगे। जैसे शारीरिक में जैसे मेरा है, मैं मेरा आज 7 है, तो उसके लिए मैं सबकॉन्शियस माइंड को यूज कर रहा हूँ पावरफुल। फिर मानसिक में तो जो भी है उसके आगे लेके जाने के लिए 2 पॉइंट या 1 पॉइंट आगे लेके जाने क्या करने वाले हैं। जैसे शारीरिक में कम है तो मैं व्यायाम करने वाला हूँ, मैं योगा करने वाला हूँ, मैं जिम ज्वाइन करने वाला हूँ। मानसिक के लिए अगर 6 है तो 8 जाने के लिए मैं किताबें पढ़ने वाला हूँ, ट्रेनिंग अटेंड करने वाला हूँ, आप लिख सकते हैं। कौटुंबिक में रिलेशन के लिए मैं समय देने वाला हूँ, वाइफ को क्वालिटी समय देने वाला हूँ। अभी क्वालिटी समय देता नहीं, रोज 10 मिनट क्वालिटी समय मेरे बीवी को या बच्चों को देने वाला हूँ। आर्थिक के लिए तो आप ज्वाइन किए ही हो, है ना, मैं अच्छा और सीखने वाला हूँ, मैं बढ़िया काम करने वाला हूँ, जो सीक्रेट और भी समझ में आ रहे उसको यूज करने वाला हूँ। ठीक है, से अभी जिस जहां से है वहां आगे जाने के लिए क्या करने वाले, लास्ट 30 सेकंड में दे रहा हूं, तो कीजिए, लिखिए आप, और वो पेपर आपके पास लिखिए और आप ही इसको एक्शन लेने वाले हो। जैसे मैं मेरे हमेशा वर्कशॉप में बोलता हूँ, आपने इसमें का एक भी पॉइंट यूज किया तो आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाला है। अगर सब सुना और कुछ भी यूज नहीं किया तो आपके लाइफ में कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो कब से करना है? आज से इसको यूज कीजिए और आपका लाइफ बदलेगा, बदलना शुरू होगा। डेफिनेटली क्यों नहीं बदले, आपने डिसाइड किया मुझे योगा करना है तो आप करना शुरू करोगे। आपके अगर आपका हेल्थ भी चैलेंज है तो हेल्थ का चैलेंज हो जाएगा। मानसिक में अच्छी अच्छी किताब पढ़ना शुरू करोगे, ट्रेनिंग अटेंड करना शुरू करोगे, जो आपको अच्छा लगता है वो करना शुरू करोगे, तो डेफिनेटली ये चेंज होगा ही होगा। ठीक है, लिखा लास्ट 15 सेकंड, लिख के जितना हो गया उतना लिखिए, बाकी का आप बाद में भी लिख सकते हैं। तो मुझे अभी मैं ये चैट पे सुनना चाहता हूँ, या चैट पे लिख रहे हैं या बोल के, कैसा लगा ये सीक्रेट 3? यूजफुल था आपके जीवन के लिए? क्या लगता है, जी कितना सर, था तो कितना यूजफुल था? जी सर, बहुत अच्छा लगा हमको। यस, थैंक यू वेरी मच। कभी आज इसका पूरा पूरा लेवल पे आप सोच सर पाए थे इसका कैसे? यस सर, बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि आज के बाद मेरी लाइफ में ऑलमोस्ट 80% चेंजेस आने वाला है, ये 1:30 बजे के बाद से। ठीक है, तो खत्म होने के बाद कुछ डिस्कस करेंगे 5-10 मिनट, अभी आप यस अपना यस, कंटिन्यू रखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका बात नरपत जी, कि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं रहता, एक के पीछे लगते हैं दूसरा छूट जाता है, दूसरे के पीछे लगते हैं तीसरा छूट जाता है। तो होलिस्टिक पूरा लाइफ अगर जीना है तो हमें 6 लेवल पे बैलेंस होना चाहिए। बहुत सही बताया आपने, थैंक यू वेरी मच।